सो गाइस, आज हम लोग खेलेंगे माइनक्राफ्ट। आज हम लोग जो हैं ट्राई करेंगे कि हमारा जो एक्सपी फार्म है वो बन जाए। देखते हैं हम बना पाते हैं आज एक्सपी फार्म के नहीं, उसको पूरा करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा बना हुआ है बस, अभी मैं थोड़ी सी उसके लिए चीज़ें ले लेता हूँ। मेरे पास उसके लिए सारी चीज़ें तो हैं। उसके लिए आप लोगों को जो अब हमें एक्सपी फार्म बनाना है उसके लिए आपको चाहिएगा ढेर सारा गोबल स्टोन। मेरे पास है पिकेक्स चाहिए आएंगी, दो वाटर बकेट चाहिए आएंगी, चार हॉपर चाहिए होंगे और दो चेस्ट चाहिए आएंगे और थोड़ा साथ में आपका फूड और टूल्स। मैं देख लेता हूँ, अब रात तो नहीं हो रही है, रात हो रही थी, अब मैं सो जाता हूँ और फिर ऊपर जाएंगे हम। ओ भाई, इन्होंने मुझे कहाँ ड्रॉप कर दिया, वहाँ ड्रॉप कर देते। चलो जी, अब मैं इसको फिर ऊपर से खोद के चला जाता हूँ। लेकिन ये ठीक है कि मेरा जो सारा है दीवार में ठीक किया, ऊपर जो ये दीवार लगी हुई है, नहीं तो फिर तो सफोकेट हो जाता है ये मेरा प्लेयर। अब मैंने लैडर इसलिए ली है ताकि मैं एक प्रॉपर रास्ता बना सकूँ। थोड़ी सी वुड की जरूरत पड़ेगी और जिससे मैं ट्रैप डोर बना सकूं। ट्रैप डोर अब मैं बना क्राफ्ट कर लेता हूँ। ट्रैप डोर की रेसिपी ये देखें, इस तरह से आप लोग 6 रखेंगे तो आपको 2 ट्रैप डोर मिल जाएंगे। अब मैं 2 ट्रैप डोर भी ले लेता हूँ। अभी जब मैं ये आगे लेके माइन करूँगा तो अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं क्यों ऐसे कर रहा था। अब मैं सिर्फ एक ही लेयर पे लगाऊंगा, ये मैं लगाई प्लेस किए जाता हूँ लैडर्स। ये क्या हुआ, रुक क्यों गया, लग जा भाई, भाई लग जा। अब मैं तेज तेजी से लगाई जाता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे जाके और ले आऊँगा ठीक है। बहुत मेहनत लगती है नीचे ऊपर लेके जाने में इसको, ऐसे तो जब पत्थर लगा लगा के जाना पड़ता है। लेकिन अब ठीक है, ये तो प्लेस ही नहीं हो रही, इस वजह से प्लेस ही नहीं हो रही थी। स्पीड बहुत तेज है, लग जा भाई, अब लग गए और मैं अब ऊपर चला जाता हूँ। लगता है कमी पड़ गई है हमें, कहाँ से कमी पड़ी हमें इसे, लेकिन हमें कमी पड़ गई है, हमें तो बहुत ज़्यादा की कमी पड़ गई है, 3-4 की पड़ी है, वैसे ज़्यादा की नहीं पड़ी। मैं नीचे चला जाता हूँ, अब नीचे अब आ गया हूँ मैं। और अब यहाँ से मैं थोड़ी सी लैडर बना लेता हूँ। मेरे पास वुड रखी हुई है, वुड से स्टिक बनाता हूँ। पहले लैडर बनाने की रेसिपी कुछ इस तरह से है। अब मैं थोड़ी सी और लैडर बना लेता हूँ क्योंकि अभी पता चले तो फिर ज़्यादा की ज़रूरत है, फिर से नीचे से आके लेके जानी पड़ेंगी नहीं तो फिर। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ जल्दी से, देखें इससे मैं कितना फास्ट फास्ट जा रहा हूँ ऊपर। अब मैं ये जा रहा हूँ ना, हाँ ये देखें, अब मैं लैडर लगा लेता हूँ, लैडर लग गई। अब मैं ये अब ये ऊपर तक आ गया हूँ और ये देखिए हमारा रास्ता बन गया। और ये जो मैं ट्रैप डोर लाया था इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह लगाना है, इस तरह से, तो फिर हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे, इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो अब ये देखें, मैंने इसको थोड़ा बनाया हुआ है बस इस तरह से नीचे बेसिक सा, लेकिन हम लोग इस तरफ बनाएंगे अपना एक सही वाला। अब मैं यहाँ से बना लेता हूँ, देखें अब मैं यहाँ पे 2 चेस्ट लगाता हूँ यहाँ से पे। इस तरह आप लोगों को सबसे पहले 2 चेस्ट लगाने पड़ेंगे और फिर आपको क्राउच होना पड़ेगा इस तरह से, देखें क्राउच होके ऐसे लगाने पड़ेंगे ऐसे। इसके ऊपर आप चेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप ये आपके होपर लग जाएंगे इस तरह से। ये होपर लग गए हैं, मैंने तो लगा लिया। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ इस तरह से। पहले थोड़ा थोड़ा बनाता हूँ यहाँ पर साइड से।
मैं ये, मेरा हो गया, ये बेसिक सा तो काम रेडी हो ही गया, ये तो हो पा गया। अब जिसको यहाँ से 20, हम जिसको यहाँ से लेके जाना होगा 23 ब्लॉक साइट ऊपर सब। अब मैं लेने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो लग ही नहीं रहे। सो मैं आपको उस टाइम मिलता हूँ जब ये मैं सारे लगा लेता हूँ, उस टाइम मिलूँगा मैं आपसे। सो गाइस ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने आपके सामने मैंने इस तरह से इसको बना लिया है, ऊपर तक 23 ब्लॉक्स की हाइट तक है। और अभी ये रात भी हो रही है तो मैं किसी विलेजर के घर में जाके देखता हूँ, बेड है तो उसके घर से सो जाऊँगा, क्योंकि मैं उसके घर के बेड से सो जाऊँगा, क्योंकि मैं भूल गया कि मैं बेड भी तो लाना था मैंने। सो जा भाई सो जा, दरवाज़ा बंद कर दो क्योंकि ज़ॉम्बी आ सकते हैं बाहर से। भाई सो जा जल्दी, बाहर तो रात हो रही है, अब हो रही है रात। हाँ अब ये सो गया, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। ये देखें ये हमारा, मैंने यहाँ पे ऊपर गया था जब तो नीचे आने के लिए मैंने पानी डाल दिया था उसके ऊपर, जिससे मैंने ऊपर ट्रैक नीचे छलांग मार ली और मुझे कुछ हुआ नहीं। ये देखें इस तरह से बन चुका है हमारा ऊंचा। और अब मैं स्लैब्स बना लिए मैंने थोड़े से, और अब मैं इन स्लैब्स को यहाँ इसके ऊपर रखूँगा। हम माइनक्राफ्ट में सुबह को नहीं सो सकते? नहीं, क्योंकि माइनक्राफ्ट में दिन में ही सो सकते, रात को ही सो सकते हैं। मैं पता नहीं दिन क्यों बोल रहा, हम लोग सिर्फ रात को ही सो सकते हैं। अब ये देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये लोग ये इसको अगर आप एक्सपी फार्म बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें अब ये ब्लॉक बन चुका है, लेकिन ये गलत चीज़ है, इस तरह से नहीं लगाना है, ये गलत तरीके से लगा। यहाँ ये स्लैब मैं इसे बना कर लेके आया हूँ, क्योंकि स्लैब जो होते हैं ये हाफ ब्लॉक पे ही लग जाते हैं। देखें मैंने इस तरह से आप लोगों ने इसको लगाना है हाफ ब्लॉक पे। अब ये मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ, इस तरह से ये हो जा भाई लग जा। ये क्या हो रहा है, लग क्यों नहीं रहा? चलो जी भाई, मैं पानी में कैसे घुस गया, पानी में बाहर निकल, नहाने का इतना शौक चढ़ रहा है लेकिन मैं नहीं नहाना अभी तुम्हें। अब इसको भी लिपका लो, तो अब ये यहाँ से ये बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर भी आप लोगों ने इसी तरह के लेयर लगानी पड़ेंगी। अब मैं आपको मिलता हूँ वो ये लेयर लगा के। सो गाइस ये देख सकते हैं मैं इसको उसके ऊपर भी ले गया हूँ ऊपर। अभी इस हम जब इसका आएगा मेन जगह जहाँ पे वो ज़ॉम्बी सारे स्पॉन होंगे, उससे पहले रात हो जाएगी तो मुझे बार बार नीचे आना पड़ेगा, नीचे ना आना पड़े इसके लिए मैं यहाँ इनके घर से ही एक बेड ले लेता हूँ, ताकि मैं ऊपर ही बेड लगा के सो जाऊँ जब रात होए। अब मैं यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ, ये पानी की लिफ्ट है ये एक टाइप की, क्योंकि देखे देखना अभी मैं किस तरह ऊपर जाऊंगा। भाई ऊपर चला जा, ये देखें इस तरह से ये लिफ्ट, मैं इसको सो ही कह रहा, देखें अब ये लिफ्ट है। ओ मैं गया, ओ मैं बच गया। इसी तरह से इसकी टेस्टिंग भी हो गई, जैसे आपने देखा मेरा थोड़ा सा हर्ट रह गया था बस, इसी वजह इसी तरह से थोड़ा हर्ट रहने की वजह से वो मर जाएंगे जब मैं उनको एक हिट में मारूंगा, एक हिट में मरेंगे। और अगर एक हिट में मार रहे हैं तो कौन नहीं चाहता कि ज़ॉम्बीज एक हिट में मरें, वो आपको एक्सपी तो देंगे ही देंगे,
लेकिन एक्सपी के साथ साथ वो आप लोगों को एक्सपी के साथ साथ वो आपको अपना सामान भी देंगे। वो बहुत चीज़ें लेके आते हैं। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर जाके मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस जिस तरह आप लोग देख सकते हैं मैं ऊपर आ गया हूँ अब, क्योंकि मैं यहाँ पे गोबलस्टोन लगा के आया हूँ, क्योंकि जो पानी है वो मुझे बार बार नीचे भेजी जा रहा। मैं ऊपर आता था और वो नीचे ही रहा कर रहा, पता नहीं कर रहा। मैं यहाँ से अपनी पानी की बगर निकाल लेता हूँ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए जो है मैं इसको ऐसे करके यहाँ से बंद कर दूँ, क्योंकि अब मुझे इसमें बनाना पड़ेगा इन्फिनिटी वाटर। अब इस आपको पता ही है एक बकेट इसमें इस कोने में डालनी है, और जिस कोने में आपने वो बकेट डाली होगी उसी के सामने वाले कोने में जो है एक और पानी की बकेट डाल देनी है आपने इस तरह से। और ये लें आपका इन्फिनिट वाटर तैयार है। अब आप इसमें से जितना मर्जी पानी ले सकते हैं। देखें ये इसी तरह रहेगा हमेशा, लेकिन इसको बंद भी ये हो जाएगा, हो सकता है। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे 7 ब्लॉक्स लेके आना है। अब देखें इस तरह से 7 ब्लॉक्स लेके जाएंगे। मैं 7 ब्लॉक्स पीछे लेके जा के आपसे मिल। गाइस देख सकते हैं अब मैंने इसको उस तरफ ले गई 7 ब्लॉक्स। तो फिर अभी यहाँ पे ये 8 ब्लॉक्स बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ब्लॉक था। इस ब्लॉक को छोड़ के, इस ब्लॉक को मिलाना नहीं आपने, इस ब्लॉक को छोड़ के इसके पीछे से आपने 7 ब्लॉक्स आगे लेके जाना है। फिर मैं आपको इस तरह से आप लोगों ने सारी तरफ करना है। मैं सारी तरफ करके आपसे मिलता हूँ।